सो ब्लैक एडम का ट्रेलर 2 आ चुका है एंड ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त था, लिटरली बहुत ही अच्छा था। जितने भी सुपर हीरोज के मूवीज आ रहे हैं उनके ट्रेलर देख के इतना बैडेस नहीं लग रहा है कोई भी, लिटरली बहुत ज्यादा बैडेस है। हाँ, होना भी क्यों नहीं चाहिए, सुपर हीरो थोड़ा ना एंटी हीरो है, एंटी सुपर हीरो है, मतलब लिटरली बहुत ही अच्छा। लेकिन ब्लैक एडम की कहानी लगभग 5000 साल पहले मिस्र के देवताओं के इनक्रेडिबल पावर से सम्मानित होने के बाद उसे आक्रोश वेंजेंस रिवेंज के कारण कैद कर लिया गया 5000 सालों के लिए, और उस कैद में वो रहा तब तक रहा जब तक उसे किसी ने निकाला नहीं, और वो निकलने के बाद पूरे धरती पे आक्रोश मचा रहा, अपना वेंजेंस ले रहा, अपना रिवेंज ले रहा है, क्योंकि जो उसे शक्तियां मिली हैं वो नहीं मानता कि वो शक्तियां कोई आशीर्वाद है देवताओं की, वो शक्तियां कर्स है उसके लिए, क्योंकि उस शक्तियों को लेने के लिए उसके बेटे को मरना पड़ा। पर अब वो उस दुनिया को मिटाना चाहता है, लेकिन उसको मिटाने के पहले उसे जस्टिस सोसाइटी से भिड़ना पड़ेगा। हाँ, जस्टिस सोसाइटी के 4 मेंबर है, डॉक्टर फेट, हॉकमैन, साइक्लोन एंड एटम स्मैशर। लेकिन जस्टिस सोसाइटी उससे झगड़ा करने के पहले उसके सरेंडर के लिए बोलती है तुम बुरे नहीं हो, तुम विलन नहीं हो, तुम हीरो हो। लेकिन वो साफ इनकार करके बोलता है कि मैंने कभी नहीं बोला कि मैं एक सुपर हीरो हूं या फिर मैं हीरो हूं, मैं एक विलन हूं, मैं वो हूं जिसे कोई रोक नहीं सकता, मैं वो हूं जिसे कोई हरा नहीं सकता। और वो देखने को हमें मिलता है ट्रेलर में, जस्टिस सोसाइटी जाती है उसे हराने, लेकिन वो उन्हें एकदम मतलब कागज की तरफ फेंक देता है, उठा उठा के उन्हें पकड़ के फेंक देता है कागज की तरह, उन्हें ऐसे फेंकता है कि पूछो मत, और डॉक्टर फेट तो भाग जाते हैं बार बार। ट्रेलर देख समझ में आता है जब लड़ाई होगी डॉक्टर फेट अगर पिटने लगेंगे तो वो टेलीपोर्ट हो जाएंगे, उनके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। हॉकमैन को ऐसे पकड़ते हैं गदर, हॉकमैन को ब्लैक एडम ऐसे पकड़ता है गदर से, फेंक देता है, एकदम सुपर सीन है, जब बड़े पर्दे पे हम देखेंगे वो इनक्रेडिबल लगेगा। इसी के साथ ट्रेलर 2 बहुत ज्यादा राज खोलता है कहानी को लेके, हाँ कौन विलन होने वाला, जब ब्लैक एडम वेंजेंस करेगा, रिवेंज करेगा, धरती पे तबाही मचा रहा होगा, जस्टिस सोसाइटी से लड़ रहा होगा, तब एक दैत्य निकलेगा, एक जो मेन विलन होने वाला कहानी का, जो कि ब्लैक एडम को सही रास्ते पे ले जाएगा, हाँ अच्छाई के रास्ते पे ले जाएगा। वो समुद्र के गहराइयों से निकलेगा और वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वही होगा मेन विलन। और ये रही मेन एसेंस कहानी, कहानी किस टाइप की, कहानी का बैकग्राउंड क्या है, कहानी किस टोन में जाएगी, और ब्लैक एडम कैसे लास्ट में जाके सही होगा। हाँ, वो एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि विलन ही रहेगा, ये बन जाएगा, लेकिन वो अंदर में एंटी विलन वाली रहेगी। अगर किसी को मारना है तो उसके लिए 100,000-10,000 लोगों को मारना पड़े तब भी ये खत्म कर सकता है, ये उस टाइप का सुपर हीरो। ऐसा नहीं है कि एक को बचाने के लिए छोड़ देगा, भाई विलन को जाओ तुम मार दो उसको, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मतलब आइडियोलॉजी ऐसी है कि अगर विलन बोल रहा है कि मैं एक को मार दूं तो वो बोलेगा मार दे तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूसरे सुपर हीरो जैसा कि नहीं भाई तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें यहां से जाने दे रहा हूं, ऐसा नहीं है ब्लैक एडम की आइडियोलॉजी। ये मतलब एकदम फेल देगा एक बार में ही, तुम आओगे सामने किसी को मारने को करोगे वो भी जाएगा तुम भी जाओगे, तो ये मुझे ठीक लगे। ठीक है यार, एक मरेगा मरेगा, लेकिन वो तो खत्म हो जाएगा ना। इस ट्रेलर में एक चीज गौर करने वाली थी, ब्लैक एडम के बैक स्टोरी पे फोकस किया जा रहा है। मतलब मूवी में लगभग अच्छा खासा पोर्शन होने वाला है ब्लैक एडम की कहानी को लेकर, ब्लैक एडम आखिर ब्लैक एडम कैसे बना, उसके वाइफ का मरना, उसके बेटे का मरना, मिस्र के जो राजा थे जो कैसे इन लोगों पे टॉर्चर करते थे, इन्हें किस तरह से गुलाम बना के रखे थे, इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा मूवी का, जो कि रहना भी चाहिए, क्योंकि ब्लैक एडम से अगर पर्सनल कनेक्शन हम लोग तरफ बिल्ड करवाना है तो उसकी बैक स्टोरी, उसकी कहानी हमें दिखानी पड़ेगी, उसने क्या क्या सहा है जिसके कारण वो इतना कठोर दिल वाला बना। जैसे कि मैं बोला कि ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के बीच में लड़ाई होगी, तो वो लड़ाई अच्छी खासी चलेगी, और उसी लड़ाई के बीच दौरान उन्हें पता चलेगा कोई बड़ा खतरा और मंडरा रहा है पृथ्वी पे, जिसके बाद वो मैनिपुलेट करेंगे ब्लैक एडम को, उसे बोलेंगे, और वो बोलेंगे ब्लैक एडम को तुम प्लीज इस दुनिया को बचाओ। लेकिन इसे बोलने से पहले सुपरमैन को भी तो बोल सकते थे, खैर हेनरी केल वाले सुपरमैन का कैमियो डाल दे छोटा सा भी, तो मजा आ जाए ब्लैक एडम के साथ, मतलब एकदम कैडी वाली फीलिंग आ जाएगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसी साथ दो कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट होने वाला है मूवी के लिए, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, एक बच्चा जिसको आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते, और ये लेडीज जो कि गाड़ी में पिछले ट्रेलर में भी दिखाई गई थी, इसमें भी थोड़े बहुत ग्लिम्सेस दिए गए हैं, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लैक एडम आगे चल के ऐसा हो सकता है कि जो फेस है उसकी वाइफ का उस लड़की से औरत से मिलता हो, और उसके बेटे का फेस उस लड़के से मिलता हो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ यही लड़का, तो ऐसा हो सकता है, इट्स माई एजम्पशन। और उन लोगों को देखने के बाद थोड़ा सा वो पिघले, ये तो मेरा बेटा ही है यहाँ पे, और भी लोग, उसका जो अंदर में जो अच्छाई है वो बाहर आए, और वो दुनिया की मदद करे, और जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है हमारे धरती के ऊपर उससे वो जाके लड़े और धरती को बचाए। खैर भाई लोग, मुझे लगता है ये सुपर हीरो कम्युनिटी को एज एन इंडिविजुअल बहुत आगे ले जाएगी। हाँ, वार्नर ब्रदर का भी पता नहीं क्या चुचले चल रहे, सारे पिक्चर उन्होंने कैंसिल कर दिए, डीसी फैंडम कैंसिल कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन ये पिक्चर एक अकेली ऐसी पिक्चर जो कि डीसी के भी करियर को ऊपर लेके जा सकती है, और एज अ सुपर हीरो जॉनर को भी आगे लेके जा सकती है, क्योंकि इसका ट्रेलर देख के बहुत बैडएस फीलिंग आ रही है, और ये PG-13 के अंदर होने वाली है। मेन गौर करने वाली बात ये है, जहां तक अभी तक मैं जानता हूँ, बहुत ब्रूटल भी होगा और बहुत खतरनाक, इंगेजिंग, एक्शन पैक्ड, मतलब एकदम जबरदस्त माल होने वाला, जो कि सुपर हीरो कम्युनिटी को और ऊपर लेकर चल जाएगा, ऐसे ही ऊपर सुपर हीरो कम्युनिटी। तो खैर, आपको ट्रेलर कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त लगा, ट्रेलर 1 भी अच्छा लगा, ट्रेलर 2 भी वैसे ही अच्छा लगा। और आप लोगों को वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर देना तुम्हारे भाई के चैनल को। और इन्हीं सारी बातों के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ब्रह्मास्त्र की कहानी जाननी है पिक्चर देखने से पहले, जो कि मेरी प्रिडिक्शन है, तो ये रही वीडियो, तब तक लोग के बाय, सी यू सून।